खबरों की चर्चा विस्तार से करते हुए सबसे अहम खबर की बात कर लेते हैं। विकास चौधरी की हत्या के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए जमकर नारेबाजी की। तो ये हम आपको एक्सक्लूसिव विजुअल दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ता नाराज हैं, आक्रोशित हैं। उनके प्रवक्ता की हत्या की गई है और एक दो गोलियां नहीं, आठ गोलियां, नृशंस हत्या हुई है। तो उस हत्या के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, आक्रोशित हैं और सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। फरीदाबाद में हंगामा बरपा है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सड़कों पर कांग्रेसी कार्यकर्ता हाय हाय मना रहे हैं क्योंकि फरीदाबाद में उनके प्रवक्ता की मृत्यु हुई है, हत्या की गई है। आपको बता दें विकास चौधरी काफी कद्दावर कार्यकर्ता रहे, यूं कहें कि नेता रहे पार्टी के। ये वही विकास चौधरी हैं जिन्होंने आवाज मुखर की थी पार्टी की स्थिति को लेकर और अपने प्रवक्ता के लिए आज कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर। जनता टीवी की स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता के निधन के बाद, उनकी हत्या के बाद। कांग्रेसी कार्यकर्ता न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ अपडेट है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जिस तरीके से बीके चौक पर जो विकास चौधरी के पिताजी हैं, उनका भाई है, उन्होंने जाम लगाया था, वहां पर विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज किया था और कहीं ना कहीं प्रशासन के खिलाफ उनकी वो नाराज की थी, क्योंकि अभी भी विकास चौधरी की नहीं, इससे पहले भी मर्डर के कई मामले आ चुके हैं, लगातार मर्डर के मामले सामने आ रहे हैं फरीदाबाद से। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है उसके खिलाफ ये नारेबाजी की गई थी और जल्द से जल्द जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करने की मांग की गई थी। जी गौरव, जिस तरीके की तस्वीरें फरीदाबाद की सड़कों से इस वक्त सामने आ रही हैं और जनता टीवी के दर्शक भी इन तस्वीरों को देख रहे हैं, वो बेहद शर्मनाक तस्वीरें हैं प्रदेश सरकार के लिए भी और कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं बीजेपी को भी आड़े हाथों ले रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो बीजेपी का ढीला रवैया है जिसके कारण आज जो फरीदाबाद में जो हालात बने हैं कहीं ना कहीं वो बीजेपी कारण बने। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमने उनसे बात की तो साफ तौर पर उनका यही कहना था कि अब जल्द से जल्द जो भी आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता की निर्मम हत्या हुई है कहीं ना कहीं वो सवाल निशान खड़े करती है। तो ऐसे में जल्द से जल्द जो पुलिसकर्मी हैं, जो डीसी की बात करूँ, दूसरे जो अधिकारी है उनको तलब किया गया है और सीसीटीवी कैमरे में उनको साफ तौर पर जो देखे जा रहे हैं उनको कहा गया है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए जिससे जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं में जो रोष बना हुआ है वो शांत किया जा सके। जी जी, और गौरव जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं कार्यकर्ता आक्रोशित हैं और आक्रोशित होना उनका लाजमी भी है, उनके एक अहम नेता की हत्या हुई है, वो आज आंदोलित हैं, सड़कों पर भी हैं और प्रदेश सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। क्या लगता है कि तफ्तीश पूरे मामले में कब तक संपन्न हो जाएगी, कब तक कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की साख पर बट्टा है? जी बिल्कुल, अभी जो बात सामने आ रही है जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार यह कह रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज उनके हाथ लगे हैं उनसे जो आरोपी है उनकी पहचान की जा रही है और लगातार जो फरीदाबाद या आसपास के क्षेत्र है वहां पर जितने भी जो अपराधी हैं सक्रिय रहे हैं जो गुंडागर्दी में उनके खिलाफ धरपकड़ जारी है। लेकिन अभी तक जो इस मामले में जो आरोपी है उनको पकड़ नहीं पाए हैं, लेकिन जल्द ही वो उन आरोपियों को पकड़ ले पाने में कामयाब होंगे, अभी तक जो पुलिस प्रशासन यही दावा कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी हमने जो मूलचंद शर्मा उनसे भी बात की, साफ तौर पर उनका यही कहना था कि जो अभी जिस तरीके का मामला सामने आया है कहीं ना कहीं जो पुलिस को तलब किया गया है और जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसको महज आश्वासन माना जाए गौरव, या फिर कोई कार्रवाई की जा रही है? जिस तरीके से आपने कहा कि धरपकड़ का अभियान चल रहा है, कितने लोगों को पकड़ा गया है, कितने लोगों से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि मामला बड़ा है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो
बड़े लेवल के जो अधिकारी हैं, डीसी की बात किया जाए, दूसरे जो अधिकारी है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जितने भी जो गुंडा प्रवृत्ति के जो भी लोग हैं, जो उसमें ऐसे मामलों में सक्रिय रहते हैं, कहीं ना कहीं जमानत पाए हुए हैं, उनको पकड़ कर लगातार पूछताछ की जा रही है और जल्द से जल्द जो जो भी आरोपी होगा, उनकी जो सीसीटीवी में जो इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और मैं अभी बता दूं कि अभी तक जिस तरीके से आश्वासन ये मिल रहा है, लेकिन अभी तक करीब 8 से 10 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक अपराधियों का नहीं जो निशान है वो नहीं मिल पाया, लेकिन प्रशासन लगातार यह दावा पेश कर रहा है कि जल्द से जल्द अगले 24 घंटे में जो अपराधी होंगे वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जी, सत्ता पक्ष लगातार गौरव कह रहा है कि कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी, लेकिन क्या मौके पर परिजनों के पास कोई बीजेपी का नेता या यूं कहें कि कांग्रेस के आला नेता मौजूद हैं उनको सांत्वना देने के लिए? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो प्रदेश प्रवक्ता की जो हत्या हुई है, उसको जब उनकी जो हत्या की डिक्लेयर हो गया था कि उनकी मौत हो चुकी है सर्वोदय अस्पताल में, उसके बाद उनकी बॉडी को बीके अस्पताल में लाया गया था, जहां पर जो हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता हैं, सॉरी हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अशोक तंवर जी, वो मौके पे पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने मीडिया से भी बात की थी, साफ तौर पर उनका यह कहना था कि जो फरीदाबाद में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, कहीं ना कहीं गुंडा राज है, और उसके बाद वो सेक्टर 8 गए थे पुलिस थाने में, वहां पर जितने भी जो अधिकारी थे। गौरव, आपके पास वापस आएंगे, हमारे साथ में सूबे सिंह जुड़ चुके हैं, पीआरओ हैं आप फरीदाबाद के। सूबे सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। सुबे सिंह जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जी बताएं सुबे सिंह जी, फरीदाबाद की सड़कों पर कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, लगातार हो हल्ला हो रहा है, और सवाल यहाँ पर ये कि न्याय कब तक मिलेगा? आज की अपनी जो आरोपी जिन्होंने ये फायरिंग की है और विकास चौधरी जी की उनमें डेथ हो गई है जी, इसमें पुलिस से तत्परता से कार्रवाई कर रही है जी, और इसमें सीसीटीवी फुटेज में आरोपी जिन्होंने फायर किया है वो कैद हो गए हैं। हमारी श्रीमान पुलिस आयुक्त संजय कुमार जी ने निर्देश दिए हैं, डीसीपी राजेश कुमार के नेतृत्व में 5 टीमें नियुक्त की गई हैं और 500 टीम अलग अलग दिशा में काम कर रही हैं जी, और इसमें कुछ रंजिशन इसमें एंगल आ रहा है, लेकिन हम हर एंगल से इस पे जांच कर रहे हैं और उम्मीद है कि आरोपी बहुत जल्द पुलिस की हिरासत में होंगे जी। सुबे जी, बहुत लंबा समय बीत चुका है, कब तक लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे, इसका कुछ निर्धारित समय माना जाए? निर्धारित समय यह है कि जो सबसे बेस्ट होगा, हम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं इसमें जी, और हमारी टीमें निकली हुई हैं अलग अलग साइड में, और हमें जो सीसीटीवी फुटेज के जो चेहरे देखे गए हैं, सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन किया गया है, और उसमें हम इसको हम आपको जल्द अच्छी खबर देंगे इस मामले में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। सुबे सिंह, पीआरओ फरीदाबाद हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने कहा कि जितनी जल्द हो सकता है इस पूरी तफ्तीश को संपन्न करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है और जो कटघरे में है वो प्रदेश की व्यवस्था है, कानून व्यवस्था कटघरे में खड़ी है, खुद खाकी कटघरे में खड़ी है, क्योंकि सड़कों पर कांग्रेसी नेता लगातार अपने नेता की हत्या के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको फरीदाबाद से दिखा रहे हैं, जो कि साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं कि कितने आक्रोशित हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। सूबे सिंह हमारे साथ में जुड़े, पीआरओ थे फरीदाबाद के, जिनका साफ तौर पर कहना था कि कार्रवाई की जा रही है, 5 टीमें प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में रवाना की गई हैं, पहचान हो चुकी है आरोपियों की कि आखिरकार कौन इस पूरे मामले में आरोपी हो सकता है, उनकी पहचान हो चुकी है, अब कार्रवाई करनी है, उनकी धरपकड़ करनी है, लेकिन सवाल ये कि कब तक। हमारे साथ में गौरव जुड़े हुए हैं, गौरव कुमार फरीदाबाद से हमारे संवाददाता हैं। गौरव, सूबे सिंह से हमारी बातचीत हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी, लेकिन कोई टाइम उन्होंने निर्धारित नहीं किया। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी, पुलिस की तरफ से अभी आश्वासन ही मिल रहा है कि जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं, करीब मैं आपको बता दूं कि 4 से 5 जो आरोपी हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में लगातार साफ तौर पर देखे जा सकते हैं किस तरीके से गाड़ी से उतरते हैं और उसके बाद में जो विकास चौधरी की जो गाड़ी है उस पर एक के बाद एक फायरिंग करते हैं, उनका मकसद यही था कि मैडम कि कहीं ना कहीं उनको मारने के इरादे से वो आए थे, और जो अपने काम में आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ में सुमित गौड़ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। हाँ, नमस्कार मैम।
सुमित जी, बहुत ही, सबसे पहले तो जनता टीवी को बहुत ही दुख है, आपके एक कद्दावर नेता का, नेता की हत्या कर दी गई है। क्या प्रतिक्रिया है, क्या न्याय की गुहार आप प्रदेश सरकार से और प्रशासन से कर रहे हैं? मैम देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहूंगा कि ये कांग्रेस पार्टी का और आम जन का भी बहुत भारी नुकसान है जी, क्योंकि पिछले काफी समय से विकास चौधरी हर तरीके से आम लोगों के लिए और कांग्रेस पार्टी के साथ प्रयासरत था, और इस जो जघन्य जो हत्याकांड हुआ, हम तो इसे जघन्य, क्योंकि आप देखिए सरेआम सेक्टर 9 की मेन रोड की जो मार्केट है उस पर सरेआम 15-15 फायर करना और जान से मार देना, देखिए इससे साफ साबित होता है कि हरियाणा में पहले हम कहा करते थे कि अगर कहीं जंगल राज है, कहीं क्राइम है तो यूपी या बिहार में है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और मुझे कहने में गुरेज भी नहीं है, कि पिछले 3-4 सालों से जितना क्राइम रेट हरियाणा में उतना यूपी और बिहार में भी नहीं है, और पिछले 4 दिनों में फरीदाबाद में, प्रदेश का तो बुरा हाल ही है, फरीदाबाद का सबसे ज्यादा बुरा हाल है, पिछले 4 दिनों में फरीदाबाद में 3 से 4 मर्डर हो चुके हैं, अभी एक आध लोग और भी, मतलब इतने केसेस हो चुके हैं, चाहे वो माँ बहनों को का, बेटियों का मामला कुछ भी हो, तो इस मामले में पूरी तरह से शासन प्रशासन, ये जो आज विकास चौधरी भाई के साथ जो ये दुर्घटना, बिल्कुल बिल्कुल सुमित, हम ये उम्मीद करते हैं, जनता टीवी ये उम्मीद करता है कि न्याय जल्द से जल्द मिले, क्योंकि इस बार खाकी की इज्जत दांव पर लगी हुई है। इस पर ज्यादा अपनी राय रखने के लिए हमारे साथ में सीमा त्रिखा जुड़ चुकी हैं, कांग्रेसी विधायक हैं आप। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। सीमा जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? सीमा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? सीमा त्रिखा हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, वल्लभगढ़ की विधायक हैं आप, कांग्रेसी विधायक हैं। सीमा त्रिखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। चलिए, सुमित हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सुमित जी। सुमित बताएं, सुमित क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? अभी हम पूरे जिले के तमाम कांग्रेसी जी फरीदाबाद में बीके चौक पे जाम लगाया था, हम सब ने इकट्ठे होके, तो हमें यहाँ पे सीपी फरीदाबाद जो हमारे कमिश्नर पुलिस फरीदाबाद है मिस्टर संजय कुमार जी, उन्होंने अभी हमें एश्योरेंस दी है कि आज ही की तारीख में विकास चौधरी के परिवार को, उसके भाई को सुरक्षा प्रदान कर दी जाएगी जी, और कल तक की तारीख में हमें कुछ ना कुछ ठोस कार्रवाई दिखाई दी जाएगी, और इसी बीच में बाकी लोग भी पकड़े जाएंगे जी। और इधर इधर साथ ही साथ विकास चौधरी के भाई ने, गौरव ने और परिवार ने एक फैसला और लिया है, आज उन्होंने डेड बॉडी या मोर्चरी से नहीं ले रहे हैं, उन्होंने फैसला लिया जब तक गुनहगार नहीं पकड़े जाएंगे हम डेड बॉडी मोर्चरी से नहीं उठाएंगे जी। तो सुमित, इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपसी रंजिश का मामला है। मैडम आप ये देखिए, अगर ये किसी, देखिए मैं पहली बात तो ये आज ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, आज ये हम सबके लिए पर्सनल क्षति है एक तरह से। बिल्कुल, देखिए इसमें अब चाहे लोग रंजिश कहें, चाहे कुछ भी कहें, ये बीजेपी वाले या कोई और पर कुछ भी कह के अपना पल्ला झाड़ सकते हैं जी। देखिए अगर रंजिश है तो हमें साबित कर दें, हमारी यही मांग है, चाहे रंजिश हो, चाहे कोई राजनीतिक दुर्भावना हो, कुछ भी हो, हमें तो जो कसूरवार है वो पकड़े जाने चाहिए, बस दैट्स इट जी। और उन्हें सख्त से सख्त सजा, फांसी तक की सजा की मांग करेंगे जी। और अगर हमें जल्द कोई कार्रवाई नहीं मिला तो हम पर इससे भी ज्यादा गंभीर परिणाम प्रशासन और शासन को भुगतने पड़ेंगे जी। हम सड़कों पर उतरेंगे, न्याय की मांग के हर तरह से, हम किसी भी मामले में हम ढील नहीं पड़ते जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अहम राय साझा करने के लिए। सुमित गौड़ हमारे साथ में जुड़े, कांग्रेसी प्रवक्ता थे सुमित, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आंदोलन होगा, अंत तक होगा, अंजाम तक होगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक होगा, क्योंकि सवाल है इस बार कांग्रेसी प्रवक्ता की हत्या हुई है और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था कटघरे में खड़ी है। गौरव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, गौरव सुमित गौड़ से बातचीत हो रही है। तो आपको बता दें फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, फरीदाबाद में कांग्रेसी प्रवक्ता विकास चौधरी की हत्या कर दी गई।
और 8 से 10 गोलियों मार करके उनकी हत्या की गई है। इस पूरे मामले में कांग्रेसी प्रवक्ताओं की या यूं कहें कार्यकर्ताओं की जो आक्रोश है वो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। वो सड़कों पर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में राजेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं, फरीदाबाद से हमारे संवाददाता हैं। राजेंद्र, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीके चौक पर परिजनों ने जाम लगाया हुआ है और साफ तौर पर मैं आपको ये दिखाना भी चाहूंगा जिस तरीके के यहाँ पर हालात बने हुए हैं। काफी सारी पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई हुई है और जो परिजन है वो लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नजारा किस तरीके का बना हुआ है। तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई है और साफ तौर पर जो पुलिस फोर्स है वो इसलिए तैनात की गई है ताकि कोई भी यहाँ पर उपद्रव ना हो और कहीं ना कहीं जो परिजन है की कार्यशैली को लेकर रोष बना हुआ, क्योंकि आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर बताए जा रहे हैं। जी राजेंद्र, पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा, परिजनों की क्या मांग है? देखिए परिजन साफ तौर पर जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं और जो लगातार फरीदाबाद में क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है उसको लेकर जो आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ बीके चौक पर जमे हुए हैं और उनका साफ तौर पर यही मांग है कि भाई आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्तार होने चाहिए और शहर में कानून व्यवस्था सही तरीके की होनी चाहिए। जी राजेंद्र, हमारे साथ में पीआरओ जुड़े थे सूबे सिंह, उनका साफ तौर पर कहना था कि इस पूरी हत्या के मामले में एक एंगल निकल करके आ रहा है पारिवारिक रंजिश का। जनता टीवी के बड़े सवाल हैं इस पूरे मामले में। हरियाणा में हमलावर मस्त, पुलिस पस्त क्यों? स्मार्ट फरीदाबाद में दुंदहाड़े हत्या कैसे? खुलेआम कैसे घूम रहे हैं मौत के सौदागर? अपराध पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है पुलिस? सीसीटीवी में हमलावरों के चेहरे साफ हैं, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? 7 घंटे बाद भी आरोपियों तक क्यों नहीं पहुंच सकी है पुलिस? क्या है स्मार्ट फरीदाबाद का, स्मार्ट पुलिस का प्रशासन? लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।